हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासिक में वेलकम करता हूं। आज फिर मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट में इसमें केवल ये जितना घातांक करनी यानी इंग्लिश में कहते हैं इसे शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितना होता है उसको मैं लेकर आया हूं और यही कराऊंगा। इसे ध्यान से देखेंगे, एक एक छोटी छोटी बात बताऊंगा। सबसे पहले घातांक करनी का कुछ रूल होता है वो मैं बता देता हूं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। देखेंगे, पहला पॉइंट सीखना है कि दोनों, ये बेस होता है और ऊपर वाले को कहते हैं पावर, तो जब दोनों बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए की पावर एम प्लस एन। बेस सेम है तो गुना में, जब गुना रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा, और जब बेस सेम होता है और भाग की बात होती है तो पावर घट जाती है, ए माइनस एम हो जाएगा। यानी ऐसे भी लिखेंगे ए की पावर एम बट्टा ए की पावर एन, यानी बट्टा को भी भाग कहते हैं तो यहां भी पावर घट जाता है। इस बातों को ध्यान रखिए, क्लियर। अब इसके बाद सीखना है कि जब पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो, यानी ए की पावर एम इंटू बी के पावर एम, फिर क्या करेंगे। तो इसे एक ही ब्रेकेट यानी एक ही पावर में लिख सकते हैं, यानी दोनों को एक ही घर में लिख लिए और पावर में क्या हो गया, एम हो गया। यानी जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, लेकिन जब पावर सेम होता है बेस अलग अलग होता है तो दोनों को एक ही ब्रेकेट में लिख सकते हैं। ये पॉइंट को ध्यान रखिए। इसके बाद ध्यान रखेंगे कि किसी भी संख्या के पावर जीरो होता है तो इसका मतलब वन होता है। किसी भी संख्या के पावर जीरो रहेगा तो इसका मतलब वन होगा। उसके बाद इस रूट में अगर ए है तो इसका मतलब होता है हाफ है, यानी ऐसे ए है तो ए की पावर एक यानी ए है, लेकिन रूट लग जाता है तो इसका मतलब ए की पावर एक बट्टा दो, यानी ये क्या होता है कि इस स्क्वायर रूट, इसमें यहां दो छुपा होता है और यहां पर कुछ नहीं तो पावर एक है। फिर जैसे ए की पावर एन कर दिए तो इसका मतलब होगा ए की पावर एन बट्टा दो। तो इस बातों को आप कंसेप्ट रखेंगे, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जैसे बात होती है कि ए की पावर एम और यहां पर एन होता है तो क्या होता है, ए की पावर एम गुणे एन, ठीक है ना, ए की पावर एम गुणे एन, क्लियर। इसके बाद समझना है नेक्स्ट पॉइंट कि जैसे दो के पावर माइनस तीन है, ठीक है, तो दो के पावर माइनस तीन है यानी बेस में दो है और पावर में माइनस तीन है, तो जैसे माइनस लगा रहता है इसका मतलब होता है कि दो को उल्टा लिखो, एक बटा दो कि पावर तीन, यानी माइनस के चलते इस बेस को उल्टा कर देते हैं, यानी बट्टा में है तो बिना बट्टा के कर देंगे, बिना बट्टा का है तो बट्टा में कर देंगे, तो माइनस हट जाएगा यानी हो जाएगा एक बटे आठ। इस बातों को ध्यान रखेंगे, जैसे दो के पावर माइनस एक है तो आपको पता है कि एक बटा दो के पावर एक यानी एक बटा दो होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि ऊपर पावर में माइनस है तो इसके लिए बेस को अपोजिट करना होता है, यानी उल्टा करना होता है, ठीक है ना। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यहां से कि यहां पर अगर बेस रहे माइनस में, जैसे हमने तो दो के पावर माइनस तीन को एक बटा दो के पावर तीन लिखा था, लेकिन माइनस दो के पावर तीन है, इसका अर्थ क्या है, इसमें कुछ अर्थ नहीं। इसका मतलब है कि माइनस दो गुणे माइनस दो गुणे माइनस दो बराबर माइनस के आठ। इस बातों को ध्यान रखेंगे, यानी बेस में अगर साइन का बात है तो बेस से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन पावर में अगर साइन की बात है तो उससे प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। अगर मैंने कह दूं कि माइनस दो के पावर एक, इसका मतलब होता है माइनस दो, लेकिन दो के पावर माइनस एक का मतलब होता है एक बटा दो के पावर एक यानी एक बटा दो। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को अच्छा से समझ लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पर आते हैं, पहले नीचे से ही कराते हैं, यहां से पहले इस क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करता है कि माइनस इससे इसको फिर इसको इसको काट देता है, लेकिन हम ओरिजिनल बात बताएं कैसे करना है। सीधे 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 दो के पावर तीन का मतलब आठ, दो के पावर दो का मतलब चार, दो के पावर माइनस दो का मतलब चार का उल्टा यानी एक बटे चार, यही मैंने बताया, ठीक है ना। दो के पावर तीन यानी आठ यानी एक बटे आठ लिखें, क्यों, क्योंकि माइनस है तो अपोजिट साइन हो, यानी दो के पावर तीन आठ, दो गुणे दो, यानी कह देना कि दो तीन छह, दो तीन छह नहीं है, यानी दो को
तीन बार गुणा करना है, तो दो दुनी चार दुना आठ, ये आठ हो गया, ये चार हो गया, ये एक बट्टा चार हो गया और ये एक बट्टा क्या हो गया, आठ हो गया। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो गया आठ, एक आठे आठ, आठ टाइम चौसठ, एक आठे आठ, आठ चौक बत्तीस, चार दुना आठ, तो दो और आठ एकम आठ एक, ठीक है ना, चौसठ और बत्तीस जुड़ेंगे छियानवे, दो अंठानवे, एक निन्यानवे बट्टा आठ, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं यहां काट देता है, ये कब कटता है, जब ये गुना में रहता है तो ये प्लस है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि दो के पावर तीन का मतलब आठ होगा, दो के पावर दो का मतलब चार हो गया, और माइनस में वैल्यू अगर पावर माइनस में है तो बेस अपोजिट होगा, ध्यान रखना, अगर बेस बिना बट्टा का है तो बट्टा में हो जाएगा और बट्टा में रहेगा तो बिना बट्टा का हो जाएगा, लेकिन बेस में माइनस रहता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर, चलिए ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको उठाते हैं क्वेश्चन नंबर वन, क्योंकि क्लियर समझाना है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन को, जैसे कह रहा है तीन के पावर एन प्लस टू माइनस तीन के पावर एन प्लस वन बट्टा तीन के पावर एन प्लस फोर प्लस तीन के पावर एन प्लस वन, कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखेंगे इन दोनों में देखेंगे ये भी तीन है ये भी तीन है, ये एन प्लस टू है एन प्लस वन है, तो छोटा चीज तो कॉमन लेंगे, तो यहां से कॉमन ले लेंगे तीन के पावर एन प्लस वन, आप कहेंगे क्यों, क्योंकि यह छोटा वाला पावर है कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा तीन के पावर एक और माइनस यहां पर बच जाएगा एक, अब कहें कैसे तो देख लें, जब तीन के पावर एन प्लस वन है तो वन वन टू हो जाएगा, क्योंकि यहां पर टू था तो ये बच गया और ये पूरा हट गया यहां से, तो एक बच गया, और बट्टा में उसी तरह कॉमन लेंगे तीन के पावर एन प्लस वन, तो ये बच जाएगा तीन के पावर तीन और प्लस वन, क्योंकि तीन और एक चार हो जाएगा और ये तो पूरा हट गया, जहां से पूरा हट जाएगा वहां से वन हो जाएगा, ये काट लेंगे, ये हो जाएगा तीन में से एक गया दो और बट्टा सत्ताईस और एक अट्ठाईस, यानी दो एकम दो एक बट्टा चौदह, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझ लें, कितना आंसर होगा एक बट्टा चौदह, क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया क्लियर, अब क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर चार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चार कैसे सॉल्व करेंगे, तो दो के पावर एक्स माइनस वन प्लस दो के पावर एक्स प्लस वन इक्वल टू थ्री ट्वेंटी, तो एक्स का मान बताना है भाई। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले बात होती है कि मैं कह दूं पांच और माइनस पांच बड़ा कौन है, सबको पता है कि पांच बड़ा है, लेकिन मैं कह दूं कि माइनस पांच और माइनस वन इसमें बड़ा कौन है, तो जो छोटी वाली संख्या होती है वो बड़ी होती है, क्योंकि कर्ज कम लिया है, एक रुपया लिया, पांच रुपया लिया, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, अगर मैं कह दूं यहां पर कि माइनस वन और प्लस वन, तो बड़ा कौन है, या तो सीधी सीधी बात है प्लस वन बड़ा है। अब क्या होता है कि यहां पर चार है और यहां पर आठ है, मैं पूछू कि कॉमन क्या लोगे, तो यहां से चार ही कॉमन लोगे, तो यहां पर चार कॉमन लेंगे तभी तो एक बचेगा, यहां पर क्या बचेगा दो बचेगा, बचेगा ना, और यहां पर भी आठ चार बारह हो जाएगा, यहां पर दो एक तीन चौक बारह हो जाएगा, यानी दोनों में से छोटी संख्या कॉमन ली जाती है, जब कॉमन लेने की बात होती है तो बात करेंगे इस क्वेश्चन में कॉमन क्या लेंगे, छोटी वाली लेंगे, तो दो के पावर एक्स माइनस वन छोटी है, यहां से कॉमन लेंगे, यहां कुछ नहीं होगा, तो वन बचेगा, और यहां पर बचेगा दो के पावर दो। आप पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस वन प्लस टू, तो यानी क्या हो जाएगा प्लस के वन हो जाएगा, यानी माइनस वन प्लस टू, तो दो में से एक घटेगा तो क्या होगा प्लस का एक हो जाएगा, इस प्लस का एक लाने के लिए माइनस वन है तो यहां पर प्लस टू लेना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है माइनस वन और प्लस वन दोनों का अंतर दो का होता है, उसी तरीके से कॉमन इसको आराम से समझ लेंगे, ये कितना होगा तीन सौ बीस, ये हो जाएगा दो के पावर एक्स माइनस वन इन टू, ये पांच हो गया बराबर तीन सौ बीस हो गया, ये पांच से कितना बराबर चौसठ बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि दो के पावर एक्स माइनस वन बराबर ये चौसठ को इसी के बेस में लिखेंगे, तो आप आठ के पावर दो लिख सकते हो, चार के पावर तीन लिख सकते हो, दो के पावर छह लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस ये देखो कि छोटा में तोड़ना ही पड़ेगा, आप आठ के पावर दो लिखोगे फिर भी आपको इसे चार के पावर चार लिखना पड़ेगा, फिर भी इसे दो के पावर छह लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो उससे कोई चार के पावर
यहां पर कितना है, चार के पाव तीन लिखना पड़ेगा। तो कहने का सेंस है कि यहां पर आठ अठाई चौसठ हो गया और यहां पर चार का पावर तीन चौसठ हो गया, तो यहां पर दो के पावर छह करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इससे अच्छा है कि जितना बेस में टूट गया उतना बेस में हम लोग क्या कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो कैसे करेंगे इसे देखते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, दो के पावर छह लिख देंगे। अब बेस से बेस कट गया, x माइनस वन बराबर छह, तो इसलिए x बराबर कितना बचे और एक सात, इस क्वेश्चन के ठीक है। तो इसे नोट कर लेंगे, इसके बाद बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखते हैं तो क्वेश्चन अब देखेंगे, इसके बाद हम लोग बनाते हैं इसे क्वेश्चन नंबर टेन को। अब यहां पर क्या है, यदि 2 के पावर 2x प्लस 4 इक्वल टू 16 के पावर x, तो x क्यूब का मान बताना है ठीक है। कैसे निकालें, 2 के पावर 2x प्लस 4 है और इसे 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं और x तो साथ में बेस से बेस कट गया, यहां हो जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल टू 4x, 4x में इधर 2x जाएगा तो यहां पर बचेगा 2x और बराबर ये 4 हो जाएगा, दो दूनी के 4, x बराबर कितना हो गया, तो x का मान कितना हो गया, तो x क्यूब का मान निकालना है। x क्यूब मतलब x का मान 2 है, उसके पावर 3, तो ये कितना हो गया 8, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 8 हो गया। इसे नोट कर लेंगे, क्लियर। अब ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अब इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पर हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4 का मान पूछा है, इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहां पर हमें x प्लस 1 बाई x का मान तो निकालना पड़ेगा, तभी तो इसका मान निकलेगा, पहले तो इस रूप में आना चाहिए। इस रूप में आने के लिए क्या होता है कि जब x इक्वल टू ये दिया है तो 1 बाई x इक्वल टू होता है, खाली साइन चेंज हो जाता है इसका, 3 माइनस 2 रूट 2, यानी x का उल्टा 1 बाई x, तो प्लस का उल्टा माइनस, ऐसे कर देंगे, ये माइनस प्लस ये क्या हो गया, कट गया। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई x इक्वल टू क्या हो गया 6। अब जब ऐसा दिया है तो मैं पीछे बता रखा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अलजेब्रा में पढ़ा रहे हैं, कमान हो जाएगा 6 के पावर 2 माइनस 1, जो यहां पर संख्या होता है उसका स्क्वायर माइनस 2 कर दो, 34। अब ये दे दिया, फिर बताएं पीछे पढ़ा चुके हैं कि x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4 का मान निकालना है, तो फिर एक स्टेप इसको कर देना, यानी 34 का स्क्वायर और माइनस 2, इसका स्क्वायर करेंगे 11 से 56 माइनस 2, कितना होगा 1154, इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है। तो इसे नोट कर लेंगे। अब आगे जितना क्वेश्चन अब कराएंगे, अब धीरे धीरे थोड़ा सा उठाएं क्वेश्चन को, ये तो सारा बेसिक क्वेश्चन है, और पहले जितना पुरानी वीडियो सब देख लो कि जितना लेवल वाला क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ाऊं, तो फिर दिक्कत ना हो, क्योंकि बेसिक जब तक नहीं ठीक होगा तब तक आगे चलकर कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि बेस पहले मजबूत करना होता है तभी क्लियर होगा ठीक है। तो इसे नोट कर लेंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन को कैसे, सबसे पहले रूट में निकालना है, तो पहले ये दिया है तो 1 बाई एक्स का मान निकाल लेंगे। ये कैसे निकले, खाली साइन चेंज हो जाएगा, मैंने बताया था 4√3। अब ये क्या होगा, ये कट गया, ये हो गया x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 40 ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना होता तो मैंने अभी बताया 14 के स्क्वायर हम माइनस 2 कर देते, 196 माइनस 2 194 हो जाता, इस चीजों को ध्यान रखते ठीक है ना। और आगे करना होता आगे भी निकालते, लेकिन कहने का सेंस है यहां पर ये नहीं पूछा, यहां पर रूट में पूछा, यानी इसके पीछे जाना और बैक जाना है, कैसे करेंगे। तो इसका करने का तरीका क्या होगा मैं बता देता हूं। ये क्या होगा कि x प्लस 1 बाई एक्स, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बराबर 40 है, इसमें अपने आप दो जोड़ देंगे और अपने आप दो जोड़ देंगे ठीक है, इस चीजों को ध्यान रखें। अब जब दो जोड़ेंगे तो ये जो बनेगा रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, अब बराबर ये 16 हो जाएगा ठीक है। आप कहोगे कैसे ये बन गया, कैसे पता चला आपको बन गया, अरे फिर इसके स्क्वायर करो या जाएगा, देखो अगर इसे चेक करना चाहते हो इसको, ए प्लस बी दो स्क्वायर, ए स्क्वायर तो एक्स हो गया, बी स्क्वायर
प्लस टू रूट एक्स इंटू वन बाई रूट एक्स, तो इसे ये कट गया तो क्या बन गया, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू नहीं बन गया, तो कहने का सेंस है ऐसे हो गए, बैक हो गए, ठीक है। तो ये बन गया बराबर 16 हो गया। अब क्या करेंगे, इसे हटा कर यहाँ पर रूट 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि पावर माइनस में मैंने बताया तो पलटी मार देगा, क्योंकि बट्टा में होगा, जैसे एक बट्टा, फिर ये हो जाएगा एक बट्टा 216 के पावर, तो ये तो पलटी मार देगा ऊपर चला जाएगा। तो सीधे सीधे मैं लिख देता हूं कि ये 216 के पावर 2/3 ऐसा हो जाएगा, माइनस के चलते ऊपर चला गया, ठीक है। बट्टा में था तो बिना बट्टा का हो गया, फिर ये हो जाएगा 256 के पावर 3/4, फिर ये हो जाएगा 243 कि पावर 1/5, इस तरीके से हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस खत्म हो गया। अब क्या होता है कि आप तोड़ना है जितना में तोड़ दो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं कि 99% फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है, जितना बेस में होता है उतना ही पावर यहां रखते हैं तो जल्दी हो जाता है। मतलब 216 के पावर 216 को ऐसी संख्या रखो कि जिसका पावर 3 हो जाए और 216 बन जाए, ये बेस वाला, मतलब इसको कह सकते हैं इसको डिनोमिनेटर यानी हर के रूप में, यानी यहां पर जो 3 है तो ये 3 के रूप में इसको तोड़ो, माने पावर 3 रखो ऐसी संख्या जिसका 216 आ जाए, तो आसानी से, जैसे यहां 4 है तो ऐसी संख्या रखो जिसके पावर 4 करने पर 216 है, यहां पर 5 है तो ऐसी संख्या रखो जिसके पावर 5 करने पर 216 आ जाए, तो इस तरीके से बहुत आसानी से हो जाएगा। तो मुझे याद है कि प्रैक्टिस से हो जाती है, इसका कोई जुगाड़ नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 216 को 6^3 और इंटू फिर वही 2/3 प्लस इसको 4^4 इंटू वही 3/4 प्लस 3^5 इंटू 1/5, ये प्रैक्टिस करते करते होती है, ठीक है ना, कोई यहां पर जंतर मंतर नहीं चलता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, 6^2 यानी 36, 4^3 64 और 3^1 यानी 3, ये हो जाएगा 103 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करें और आगे भी प्रैक्टिस से ऐसे ही कराऊंगा, ठीक है। और जितना वीडियो को देखो ज्यादा से ज्यादा और शेयर करो और इसका फायदा उठाओ। धन्यवाद।